ये रघुराज सिंह साथ मुलायम सिंह का एक शिष्य भी है। अगर असली शिष्य होते तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो बहू के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने काम में तो शिष्य हूँ। जिन रघुराज शाक्य ने अपने आप को शिवपाल सिंह यादव का चेला बताया था, जिन रघुराज शाक्य ने ये कहा था कि वो मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानते हैं, वही रघुराज शाक्य इस बार शिवपाल सिंह यादव के निशाने पर आ गए हैं। मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव को लेकर रघुराज शाक्य और शिवपाल सिंह यादव के बीच सीधी अदावत देखने को मिल रही है। एक और भाषण सामने आया है जिसमें शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा है कि उनके कथित शिष्य रघुराज शाक्य ने उनसे झूठ बोला था। रघुराज शाक्य बीजेपी के टिकट पर मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। वो लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्हें इटावा से सांसद और विधायक भी बनाया गया था, लेकिन रघुराज शाक्य ने अपनी पार्टी से बगावत की और बीजेपी का दामन थाम लिया। अब शिवपाल सिंह यादव ये कह रहे हैं कि रघुराज शाक्य ने जिस दिन बीजेपी ज्वाइन की उसके एक दिन पहले उनकी उनसे बात हुई थी। शिवपाल का कहना है कि उन्होंने खुद रघुराज शाक्य को फोन किया था। क्या बातचीत हुई, शिवपाल ने तस्दीक से बताया है। ये 5 दिसंबर को चुनाव होने जा रहा है, नेताजी के न रहने के कारण ये चुनाव हो रहा है और नेताजी की बहू ही चुनाव लड़ रही है, अखिलेश की पत्नी। नेताजी की बहू और हमारी भी बहू तो चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव में आप ही लोग जिताएंगे और जिताते भी रहे, कुछ लोगों को तो करके जा रहे लोग जिता भी रहे, तब की बहुत ज़्यादा वोटों से। अभी 6 महीना पहले तो मुझे ही जिताया और 92,000 से मुझे जिताया, कम नहीं है 92,000, वोट भी बहुत मिले थे। और आपकी बात तो बहू के खिलाफ रघुराज सिंह लड़ता है, पता ही है, शिष्य बताते हैं। अगर असली शिष्य होते तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो बहू के खिलाफ लड़ना ही नहीं चाहिए। बहू के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए, और पहले तो अगर शिष्य थे तो हमारा साथी नहीं छोड़ना चाहिए, और बिना बताए अगर शिष्य थे तो मुझे बता के जाना चाहिए था। हम जा रहे चुपचाप चले, हमने टेलीफोन भी किया, कहाँ हो, हम टेस्ट कराने गए, थोड़ी तबीयत खराब, इलाज करा रहे तो हमने कहा हम डॉक्टर से फ़ोन कर दे रहे, बहुत अच्छा लखनऊ में लोहिया अस्पताल में हमारा परिचित डॉक्टर है, और हम कह दे रहे, मैंने टेलीफोन भी किया, फिर पता लगाया जी वहाँ पर नहीं गए, और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी गई। तो अगर से सोते तो फिर छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए, सामने से तो नहीं हो तुम चेला भी नहीं ऐसे छोड़ के तो चेला भी नहीं जाता है। शिवपाल का दर्द इस बार साफ नजर आता है। शिवपाल ने कई बार रघुराज को लेकर तमाम बयान और भी दिए हैं। रघुराज शाक्य ये कहते हैं कि वो शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस तरह से रघुराज और शिवपाल के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है, उससे ये बात कही जा सकती है कि इस बार गुरु और चेले के बीच रिश्ते खत्म हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव की बहू के लिए शिवपाल का चुनाव प्रचार करना इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि रघुराज शाक्य को उनकी शह पर बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।